हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं, जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेट नंबर 3। और क्वेश्चन पेपर कोड आप देख सकते हो, जो है 430/13। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर होता है। ऑलराइट, तो सेट 3 हम सॉल्व करने वाले हैं आज। और ये है 2024 का मैथमेटिक्स का पेपर, 2024, तो इस साल अभी बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसी का पेपर है। तो इस लेक्चर में हम सेक्शन ए, जो एमसीक्यू सेक्शन रहता है, वो सॉल्व करने वाले हैं। वन बाय वन हम सारे के सारे सेक्शन सॉल्व करेंगे सभी पेपर्स के। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन इज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसका फॉर्मूला होता है सी बटे ए। ओके, तो इसमें ए का वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए का वैल्यू है के, बी का वैल्यू है -4 और सी का वैल्यू है -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे दिया है 2, तो 2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे -7 बटे के, तो के का वैल्यू कितना आएगा? -7/2। तो इसका ऑप्शन ए है, वो राइट आंसर है। ऑलराइट, चलिए तो पहले का आंसर आएगा ऑप्शन ए। फिर इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 8 एंड ए 10 इज इक्वल टू -19, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पे दिया है, वो है 8, और ए 10 दिया है -19। तो फिलहाल यहाँ पे 10 है, तो एन का वैल्यू हम 10 ले लेंगे। ऑलराइट, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। तो ए 10 दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 9 डी, इसका वैल्यू है -19 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 डी। तो ये होगा -19 - 8 इक्वल टू 9 डी। -27/9 दैट विल बी इक्वल टू डी। तो डी का वैल्यू क्या आएगा? -3। ऑलराइट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस सेकेंड क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन 1 को। चलिए तब तक आप क्वेश्चन 3 को पढ़िए। क्वेश्चन 3 क्या है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए -1, 3 एंड 8, 3/2। ऑर्डर, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? अगर पी एक्स वाई इज द मिड पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे -1 + 8/2 और ये होगा 3 + 3/2/2। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? ये आएगा 7/2। तो पहला ऑप्शन जो है वो है 7/2। ओके, तो या ए है या बी है या डी है, तो दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन होगा 3 × 2 = 6 और 6 + 3 = 9, ये होगा 9 और ये 2 एलसीएम ऊपर नीचे जाएगा, तो 9/4। ऑलराइट, तो सेकंड ऑप्शन है वो ये आ रहा है 9/4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया। चलिए तो क्वेश्चन 3 में हटा देता हूँ यहाँ पे अभी। आई होप ये क्वेश्चन हो गया। चलिए तब तक क्वेश्चन 4 देखो।
ओके देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, साइन थीटा दिया है 1/3 और हमको फाइंड करना है सेक थीटा। देखो ऐसे ट्रिको वाले सवाल आए तो पहले ट्रायंगल बना लो सीधा सा डायरेक्ट, यहाँ पे थीटा लिख दो, ये होगा 1/3 तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये वाला साइड क्या होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो 3² - साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9 - 1, तो ये आएगा √8। ठीक है, तो √8 यानी कितना होता है 2√2, √8 यानी 2√2। तो अभी सेक थीटा तुमको फाइंड करना है, तो सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे 3 और एडजेसेंट कितना है 2√2। ओके तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसमें एक ऑप्शन बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन 5 देखते हैं हम। HCF फाइंड करना है हमको 132 और 77 का, तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालो पहले, ये आएगा 2 और ये आएगा 6 6, फिर आएगा ये 2, ये आएगा 3 3, ये आएगा 2 और सॉरी ये आएगा 3 11 11 और 1। ठीक है, 77 का बना लेते हैं, तो वो तो डायरेक्ट हो जाएगा 7 से 7 11 11 1। ओके तो अभी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हम 132 को कैसे लिख सकते हैं, वो होगा 2² * 3 * 11 और 77 को लिख सकते हैं 7 * 11। यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी कि जो HCF बन रहा है वो क्या है, ऑप्शन ए है। ओके चलिए, तो आई होप कि पहले 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है। ऑल राइट, चलिए तो आगे अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो उसका सीधा मतलब है कि डी इक्वल टू जीरो है डिस्क्रिमिनेंट, तो b² - 4ac वो होगा 0, तो b² विल बी इक्वल टू 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते a का जो वैल्यू है वो 4 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू k है, तो हमको k फाइंड करना है यहाँ पे। चलिए करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, तो -5 का स्क्वायर हो गया 4 * 4 * k हो गया, तो k कितना आएगा 25/16, ऐसा ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर 6th क्वेश्चन। बढ़िया, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सीधा जो आप पढ़ाई करके आए हो फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूलाज इसमें लगाना है, फंडामेंटल को नहीं छोड़ना है कभी मैथ्स में। ठीक है, बेसिक करते रहो, आंसर आते रहेंगे। देन लेट्स लुक एट द क्वेश्चन 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज पी। ओके तो लेट्स से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है जो गेम जीतने का है वो 1 है, तो लूजिंग द गेम कितना होगा, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट हुआ। ओके ई डैश बोलो ई बार बोलो, ओके तो वो फाइंड करना है, तो इन दोनों का समेशन क्या होता है कॉम्प्लीमेंट और गिवन इवेंट का, वो होता है 1, तो P ऑफ E बार कितना होगा 1 - P ऑफ E, तो ये आ जाएगा 1 - सॉरी E का ये वैल्यू है 1 नहीं, ये वैल्यू है P। ओके यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी P, आंसर आ जाएगा 1 - P। ऑलराइट, इसमें ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 - 3 और - 2 3। ऑलराइट, तो कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ 2 - 3 और -2, 3। ओके तो इसको x1 बोल दो, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर।
एक्स टू माइनस एक्स वन भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आएगा माइनस 3 ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आएगा 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस 3 माइनस 3 ये हो गया माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो ये आएगा रूट 50। ठीक है, तो ऑप्शन में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। तो 52 कितना होता है, 13 इंटू 2, 26 इंटू 2, तो 2 को बाहर निकाल लो तो आएगा आंसर 2 रूट 13 मिनट्स। बढ़िया एकदम। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 8 का, है ना। चलिए तो फिर क्वेश्चन 9 पढ़ो, तब तक क्वेश्चन 6 हटा देता हूँ मैं। 9 देखते हैं। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 2। यहाँ पे पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू 2 कब आएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पता है 1 आता है, तो 1 प्लस साइन थीटा कितना होगा 2। तो साइन थीटा फिलहाल कितना होगा, 2 माइनस 1, तो साइन थीटा आएगा 1। तो साइन थीटा 1 कब आता है, जब थीटा 90 होता है। तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए तो कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड ड्रॉन इज रेड क्वीन। रेड क्वीन, तो रेड के कितने कार्ड होते हैं, क्वीन, पहले क्वीन देख लो। तो चार क्वीन होती है हमारे पास, राइट, हमारे पास यानी कार्ड में। तो उसमें रेड क्वीन कितनी है, उसमें रेड क्वीन 2 है और ब्लैक क्वीन 2 है, राइट। हमको यहाँ रेड के बारे में पूछा गया है, तो ये होगा 2/52, आंसर आएगा 1/26, तो प्रोबेबिलिटी हो गया ऑप्शन डी। ओके, चलिए। इफ सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइड द स्टेटिस्टिकल डेटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड। तो जो स्टेटिस्टिकल डेटा को पूरा बीच से डिवाइड कर दे, ठीक है, वो जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं मीडियन। मीडियन है वो सबसे बीच वाला वैल्यू है, ओके, सेंट्रल वैल्यू। इसमें ऑप्शन बी आएगा, थियोरिटिकल बेस क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए तो इसमें आएगा बी, क्वेश्चन 12 देखते हैं। द रेडियस ऑफ स्पीयर इज 7/2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज, तो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम स्पीयर का कितना होता है, 4/3 πr³। तो ये स्पीयर का वॉल्यूम है, सो 4/3 × 22/7 इंटू आर क्यूब, तो 7/2, 7/2, 7/2, 3 बार। ओके, तो ये 7 हटा दो यहाँ से, फिर 2 से 2 हटा दो 4 के साथ, फिर ये 2 1 जा और ये 11 जा कर दो। तो ये सॉल्व करके यहाँ पे आएगा 11 × 49/3। ओके, तो 490 + 49, तो ये होगा 9 539/3। इसका आंसर आ रहा है 539/3 cm³। 539/3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आगे देखते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा 21 एंड 23।
तो मीन कितना होता है एक्स बार 21, और मीडियन कितना होता है एम, ये 23। तो हमें फाइंड करना है मोड जेड, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है जेड इक्वल टू 3m - 2x बार। तो 3 × 23 - 2 × 21, इसको सॉल्व कर लो तो ये होगा 69 - 42, तो ये आएगा 27। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द हाइट एंड रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो हाइट दे रखी है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और रेडियस दिया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो इसका पाइथागोरस का ही फॉर्मूला है L² S² + R²। तो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो 7 24 24, तो इसका सीधा आंसर लिख दो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 14। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया अल्फा -1 x² + α x + 1 इज इक्वल, ओके, एंड जीरोस का वैल्यू दिया है यहाँ पे -3। इसको मैं पी ऑफ एक्स लिख दू, तो पी ऑफ -3 रखू तो वो 0 आएगा। अल्फा -1 तो होगा -3² + α × -3 + 1, तो आंसर होना चाहिए 0, बिकॉज इट इज अ वन ऑफ द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा -1 ये हो जाएगा 9 - 3α + 1 = 0। 9α - 9 - 3α + 1 = 0। 9α - 3α तो होगा 6α - 9 + 1 तो होगा -8। तो 6α = 8, तो अल्फा होगा 4/3। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन 16 देखते हैं। चलिए तो डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है उसके डायमीटर का लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा डायमीटर का लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज -4 0, ये दिया है -4 0। तो अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस इट इज एट, तो ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से -4 से +6 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2, 0। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम देखें तो देखिए यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर ड्रॉ कर लूँ तो शायद 0 यहाँ पे होगा अप्रोक्स, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो ये 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ये पूरा लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर का आ गया। ठीक है, तो टेक्निकली इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से हम लोग। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, चलिए देन क्वेश्चन 17 इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 17, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस टू पेयर हैव नो सॉल्यूशन और डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। तो पैरेलल लाइन हो गया ये, पैरेलल लाइन 2x + ky + 1 = 0। सो फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1 / a2 शुड बी इक्वल टू b1 / b2। तो ये होगा 5/2, ये होगा 2/k, तो k शुड बी इक्वल टू 4/5। के का वैल्यू 4/5 होगा तभी उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन 18 आगे देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 18 आगे देखते हैं।
टू डाइस आर रोल टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट. तो डबलेट यानी टोटल जो आउटकम होते हैं व्हेन यू थ्रो टू डाइस, टोटल आउटकम कितने होंगे, वो होंगे 36. और डबलेट है वो कितनी होती है, 6. ठीक है, 1 1 का पेयर, फिर 2 2 का पेयर, 3 3 का, तो लाइकवाइज अप टू 6 6 का पेयर. तो टोटल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम. ओके, तो वो 36 होते हैं, बट हमारे इवेंट्स की जो आउटकम है वो 6 है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 by 36. तो आंसर इसका आएगा 1/6. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. फिर क्वेश्चन 19 देखते हैं. तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, दो लास्ट. ओके, इफ पी ए एंड पी बी, इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, देन द क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. तो यहाँ पे देखो, ये दो राइट एंगल है. ओके, तो इन दोनों का एंगल जो है एंगल ए एंड एंगल बी. ओके, तो वो सप्लीमेंट्री है क्योंकि उस दोनों का 180 होता है, एंगल ओ और एंगल पी का भी 180 होता है. तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो यू कैन से कॉन्सेप्ट है वो इसमें लग रहा है. ओके, तो एसर्शन ट्रू है. रीजन देखो, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो इक्वल नहीं होते, ये वर्ड गलत है, यहाँ पे होना चाहिए सप्लीमेंट्री. ओके, तो साइक्लिक का रूल है, तो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. तो 19 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर -1 एंड 3. तो क्वेश्चन 20 में हमको जीरोज फाइंड करने हैं. पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 2x - 3. ठीक है, तो ये होगा x - 3 और x+1. तो ये आगे हमारे जीरोज, इसको फैक्टराइज कर लो तो मिल जाएगा आपको. तो इसमें जो जीरोज है वो x = 3 होंगे या x = -1 होगा. ओके, तो ये सही है, ट्रू. द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्स एक्स एक्सिस एट -1, 0 एंड 3, 0. तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सही है. ओके, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. तो ये जो ग्राफ में इंटरसेक्ट होता है उसको ही हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, अगर थियरी पढ़ा आपने तो आपको पता होगा. तो 20 में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. रीजन भी सही है और एसर्शन भी सही है. देन तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो सेक्शन ए था इस पेपर का वो हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन बी हम सॉल्व करेंगे. तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट.